बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज व्हाट, कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, एंगर मैनेजमेंट, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है पढ़ाई को लेकर, घर में लेकर, कभी कभी बहुत सारे, आप जिस एज में है ना, मैंने बोला मैं फैशन डिजाइनर हूं, मेरे शोज पूरे भारत में होते हैं, ठीक है, ये मेरी संस्था है एकेडमी ऑफ मेकओवर ग्रूमिंग एंड मोटिवेशन, ठीक है, मेरे अधिकांश मॉडल, मेरे अधिकांश मॉडल बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर में कौन होते हैं पता है आपको, जब भी कोई कॉर्पोरेट शोज होते हैं, कार लॉन्च होता है, बाइक लॉन्च होता है, कुछ बड़ा शो होता है, वो डॉक्टर होते हैं, बैंकर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो एक मॉडल होते हैं, प्रोफेशनल मॉडल। तो आप जिस एज में हो ना, सबसे पहले आपको एक अंदर बहुत ज्यादा कीड़ा होता है कि यार मुझे ना जल्दी जल्दी मॉडलिंग करना है, मुझे फिल्मों में जाना है, मुझे एंकरिंग करनी है, क्योंकि एक जमाना हुआ करता था आज से 20 साल पहले जब दो ही सपना होता था, लड़का मतलब इंजीनियर, लड़की मतलब डॉक्टर, वो आज से 20 साल पुराना हो गया वो। अब आप क्या क्या नहीं बन सकते हैं, आप इंजीनियर डॉक्टर भी बन सकते हैं, अब उसके अलावा मैनेजमेंट, न्यूज एंकरिंग, जर्नलिस्ट, फैशन डिजाइनर, शोज कर सकते हैं आप, फिल्मों में जा सकते हैं आप, आप क्या नहीं कर सकते, बिजनेस में जा सकते हैं आप, एक एक पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं आप, मतलब इतने इतने एक एक जो क्षेत्र होता है ना, कोई समेटा हुआ नहीं है। अब ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस एज में आप बैठे हैं ना, इसी एज में अंदर एक कीड़ा होता है, वो क्या होता है, घर पे आप जाएंगे बोलेंगे पापा, ये सेशन के बाद अचानक से हो सकता है इनमें से दो मोटिवेट हो जाए और घर जाके बोलेंगे पापा मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, तो पापा क्या बोलेंगे, पगला आ गई है, टेलर बनेगी, समझ रहे हो, क्यों इंस्टेंट रिएक्शन उस समय इसलिए नहीं आता, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, वो चीजों को नहीं समझते, वो इनसिक्योर होते हैं। आप अचानक से जाके बोल दीजिए पापा मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे डांस करना है, मुझे सिंगिंग करना है, कोई फैमिली में जल्दी तैयार नहीं होगा, और 99% के घर में यही सीन है, वो इस एज में होता है। जब मैं 10th में था तो मुझे फैशन डिजाइनर बनना था, लेकिन मेरे पूरे खानदान में सब लोग ज्यादातर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उस समय मुझे ये कहा गया कि लड़का पागल हो गया ये, तो बड़ी सारी सभाएं होती थी हर दिन मेरे घर में, समझाया जाता था, नहीं समझ में आया, किसी को भी कोई नहीं माना, तो एंड ऑफ द डे मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा गया, आई एम इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, मैंने सेकेंड ईयर में जाके इंजीनियरिंग छोड़ दी, क्यों, अंदर दबा था कि मुझे फैशन डिजाइनर ही बनना है, सपना ड्रीम जिसको आप बोलते हैं वो हम 10th से देखा करते थे, लेकिन 10th 11th 12th बहुत टाइम स्पेंड किया, लेकिन छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ पता है आपको, असली कहानी आपको अब सुननी चाहिए। छोड़ने के बाद लगभग 5-6 महीने मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि ना इधर के ना इधर के, गली का एक टुच्चा सा आदमी भी आके मुझे बोल जाता कि क्या बाप का पैसा बर्बाद कर दिए तुम, और ये तो बहुत अच्छे शब्द में बोल रहा हूँ, खड़क खड़क सुनने को मिलता था, ये सब इसलिए सुनने को मिलता था क्योंकि ये लोगों की मान, जिस समाज में आप रहते हैं आपको उनके अनुसार चलना होता है, फिलहाल कम से कम, भविष्य का नहीं पता, फिलहाल। तो अगर अचानक से आप सोचेंगे कि हम कुछ अलग करने लगे, अलग दिखने लगे, अलग सोचने लगे, तो ऐसा अचानक से नहीं होगा, आपको एडजस्ट नहीं करेंगे लोग, या आप लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा जब आपके, और बाकी को छोड़ दो, जब आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ पाएंगे तो आपको लगेगा क्या, अपने पेरेंट्स के बारे में, कहां से ये लोग मेरे घर में पैदा हो गए हैं यार, उस समय आपको ऐसा ही लगेगा यार, यार मेरी छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे यार, देखो इतने बड़े बड़े सिंगर हैं यार, इतने बड़े बड़े डांसर्स हैं, इतने देखो इतने फेमस फैशन डिजाइनर हैं, ये सब कुछ है, लेकिन क्यों नहीं मेरे पेरेंट्स समझ रहे, क्यों, क्योंकि वो इनसिक्योर है, इनकी इनसिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि समाज अभी भी उस चीज को आराम से पचा नहीं पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन एक समय पचा पाएगा, ठीक है, कब, जब आप अपने काम से अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है, आपको स्ट्रेस, आपको एंगर, आपको अपनी पर्सनालिटी को बाहर लाना पड़ेगा, उस गुस्से को दबाओ, पी जाओ, और स्ट्रेस जो आप बोलते हैं ना मुझे स्ट्रेस हो गया, अचानक से सिर पर कर लेते हैं, उस स्ट्रेस को आपको दिखाना पड़ेगा, दबाओ मत, गुस्से को दबाओ, स्ट्रेस को मत दबाओ, स्ट्रेस दबाओगे तो क्या होगा, कभी कभी देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, घर में क्लास के टॉपर है वो, लेकिन इस मंच पे खड़े कर दो बोल नहीं पाएंगे वो,
ये माइक और ये मंच कोई आसान चीज नहीं होती है। ये माइक और मंच, आप अच्छे अच्छे लोग इस मंच पर आकर घिघी बन जाती है, चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ इधर है, इधर तक है, इधर नहीं आ रहा। ये ट्रैवलिंग होती है, इसी को बोलते हैं टाइम ट्रैवल। अचानक से ब्लैंक हो जाते हैं। आपने मूवी देखी थी, एक फैशन मूवी आई थी, फैशन, प्रियंका चोपड़ा, किसी ने देखा? नहीं देखा आपने? फैशन मूवी नहीं देखा? सीरियसली? चलो कोई बात नहीं। उसमें एक मोमेंट आता है जब प्रियंका चोपड़ा स्टेज पर आकर ब्लैंक हो जाती हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं जीरो, बोलते हैं उसको जीरो टाइमिंग। वो क्या होता है कि जब आप मंच पर आकर ब्लैंक हो जाते हैं, उस समय क्या होता है, आपका ये शून्य हो जाता है, आपका गला सूखने लगता है, आपको सब कुछ आता है, आप स्टेज पर आकर बोलते बोलते घबराने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, आपका पैर कांपने लगता है, हाथ हिलने लगता है, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने जेब में हाथ घुसा लेते हैं ताकि दुनिया को पता नहीं चले कि मेरा हाथ हिल रहा है, वो अंदर से हिल रहा होता है। समझ रहे हो? आप कितना आप बैठ जाते हैं तो आपका देखना कभी कभी ऑटोमेटिक ये पैर ऐसा ऐसा हिलता है। कई लोग, सबके साथ होता है, ये होता है ना। क्यों? ऐसा नहीं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, वो ऐसा इसलिए होता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आत्मशक्ति की कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, और हम क्या बात करते हैं कि ये स्ट्रेस होता क्यों है। आप जिस एज में हैं, आपको तो स्ट्रेस होना भी नहीं चाहिए। आपको क्या टेंशन है, किस बात की टेंशन है, किसको गम अकर खिलाना है आपको? लेकिन स्ट्रेस किस बात की है वो मैं बताता हूं। कोई लड़की है क्लास में, बहुत अच्छा है पढ़ने में, बहुत अच्छी है पढ़ने में, ठीक है? स्ट्रेस किसको है? उसको नहीं है, उसके बाजू वाले को है कि ये क्लास में टॉप क्यों कर रही है। कोई लड़का है क्लास में बहुत हैंडसम है, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत हैंडसम है। मुझे यहाँ से बहुत सारे हैंडसम चेहरे दिख रहे हैं, अब मैं एक का नाम लूंगा तो बगल वाले मार के कूट देगा उसको। मैं एक का नाम नहीं बोलूंगा, बस लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे चेहरे दिख रहे हैं मुझे, जो सुबह सुबह बहुत मेहनत करते होंगे, आराम से फेस वॉश करते होंगे, भले वो नहाए नहीं, गले के ऊपर ही नहाते हैं, लेकिन क्लास में सबसे ज्यादा अच्छे वही दिखते हैं, ठीक है? और जो पूरा नहा के आता है वो क्लास का टॉपर, पढ़ने में बहुत अच्छा है, शांत रहता है, उसको लगता है मुझे क्या मतलब है, ए क्लास में कौन कौन डांस करेगा, सब चले जाते हैं। जो क्लास का टॉपर है, हमको क्या मतलब है, सिंगिंग कौन कौन करेगा, सब चले जाते हैं, वो बैठा रहता है, हमको क्या मतलब है। और ये जो हमको क्या मतलब है ना, यही आगे हमेशा देखना, पूरे विश्व में हमेशा आपको एक पहचान मिलेगी कि जो आज जो स्कूल के टाइम के जो टॉपर होते हैं ना, स्कूल के टाइम के टॉपर, हमेशा याद रखना एक चीज, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये रियलिटी चेक है, ये आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्लास के जो टॉपर होते हैं जो स्कूल में, अब आप अभी से आंखें बंद करो और अब से ऑब्जर्व करना शुरू कर देना कि आप जब 4, 5, 6 में थे, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, आपके क्लास का टॉपर कौन है, आप हमेशा देखना, या तो वो चेंज होता जा रहा है और उसके लाइफ में क्या बदलाव हो रहा है। अगर कोई 10th का टॉपर है या 9th का टॉपर है तो वो 12th का टॉपर जल्दी नहीं होगा, और अगर दोनों में टॉपर है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लाइफ में बहुत ही अच्छा इंसान बने। ये दोनों में बहुत फर्क है, पढ़ाई में टॉप करना और लाइफ में टॉप करना दोनों बहुत अलग चीजें हैं, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। आप क्लास में टॉप कर सकते हैं लेकिन आपको साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, एक अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा, आपको ये 10,000 की क्राउड में अचानक आकर बोलना पड़ेगा, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को सेल करना पड़ेगा। हम लोग मार्केटिंग ब्रांडिंग की बात करते हैं ना, आज के डेट में हर कुछ मार्केटिंग है। पहले बैंक का जॉब सबसे अच्छा हुआ करता था, आज के डेट में बैंक का जॉब एक मार्केटिंग जॉब है। ये लोग बोलते थे ना, कुछ मत करो, किसी तरह से एक पीओ बना लो। एक पीओ लड़का हो गया, बाप रे, शादी के लिए लाइन लग जाती थी, उसका तो रेट लिस्ट भी होता है, मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है? सभी लड़कों का रेट लिस्ट होता है, आईएएस का इतना, बैंकर का इतना, इंजीनियर का इतना होता है ना जी, बोलो ना, चुप क्यों हो, पता तो आपको है ही, इनको भी पता है, होता है ना, ना? लड़की अभी से लोग कम एज में बताना शुरू कर देते हैं, देखो ये बनोगे तो इतना मिलेगा, और वो आपको मोटिवेट करता है, जबकि आपको मोटिवेट कुछ और करना चाहिए। ये करोगे तो आपकी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि शादी अच्छी नौकरी से आज के डेट में नहीं होती, और वो ज्यादा दिन नहीं होने वाली है। अब लड़कियां स्मार्ट हो गई हैं, अब घर वाले भी स्मार्ट हो गए हैं, वो एक लड़का अच्छा देखते हैं। लड़कियों से पूछो हमेशा, कभी नहीं बोलेंगे मुझे एक ये लड़का चाहिए जिसका जॉब बहुत अच्छे हो, क्या बोलेंगे वो, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग हो, सबसे पहली बात। सही बात है कि नहीं?
बोलो, अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, पहली बात, लॉयल हो, तीसरी बात अच्छा कमाता हो, और चौथी बात अच्छा दिखता हो। ये चौथे में आता है ये, ठीक है। हम लोग 2022 में जी रहे हैं, अब वो जमाना चला गया कि लोग सोच, अरे शाहरुख जैसा दिखता है ना, अब वो जमाना चला गया और इसी बात पे लोगों को स्ट्रेस होते कि वो शाहरुख जैसा क्यों नहीं दिख रहा है ना। एंगर, लोग मतलब ये छोटी छोटी चीजें, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे और भी टॉपिक्स पे बात करनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे जैसे आप कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, जो भी आपका, जैसे ये ड्रेस कोड है आपका, स्कूल का ड्रेस कोड है, फिर आप धीरे धीरे जब जाएंगे किसी पार्टी में जाएंगे, आप किसी बड़े मंच पे जब जाएंगे, जब आप वहां से उठ के यहाँ आएंगे, तो आप सुबह सुबह एक बार जरूर सोचते होंगे कि आज क्या पहना जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोचते हैं, आजकल लड़के ज्यादा सोचते हैं। आप किसी सलोन से जाके, जिस लड़कियों जहां सलोन में आप जाते हैं, आप कभी लड़कों के सलोन में जाके देखिए ये क्या क्या करवाते हैं। पहले सिर्फ बाल दाढ़ी तक बातें रुक जाती थी, इनको अब अच्छे से अच्छा दिखना है। इनकी शादी नहीं है अभी, 10th, 12th, 9th में है, लेकिन इनके भाई की शादी है, किसी की भी शादी है, ये सलोन जाएंगे तो सबसे पहला बात बोलेंगे, भैया एकदम चमकाया दी हो। अब वो कैसे चमकेंगे नहीं पता, अब वो ईटा घसेंगे कि पत्थर घसेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, अच्छा दिखना, ठीक है। अब आपको ये जानना है, इंटरेस्टिंग, आपको ये जानना है कि अगर मैं आप, मैंने किसी का अभी तक नाम नहीं पूछा है, आपको ये जानना है कि अगर मैं आपको बिना जाने मैं आपके बारे में बता दूं कि आप कैसे इंसान है, चलेगा? जानना है वो कैसे जानते हैं हम लोग, आपके बैठने के तरीके से, आपके खड़े होने के, देखो जैसे मैंने बोला सब सीधे हो गए। आप जिस तरीके से, एक चेयर मुझे यहां प्लीज दे दें, एक चेयर, आपके बैठने के तरीके से, आपके हाथ रखने के तरीके से, आपके पैर रखने के तरीके से, ठीक है, पैर चढ़ा के बैठे हैं, पैर क्रॉस करके बैठे हैं, पैर सीधा रख के बैठे हैं, ये आपके बारे में बताता है कि आप अंदर से कैसे इंसान हैं। देखो और लोग, आधे लोग और सीधे हो गए। अरे खा लो यार, मैं नहीं बोलने वाला हूं अचानक से ऐसे, ठीक है, खा लो, हाँ थैंक यू, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा वो कि जब आप भीड़ में, जब आप भीड़ में हैं तो आप खड़े हैं, आप चुपचाप खड़े, आपको कोई जान भी नहीं रहा वहां पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो जाने अभी से, ताकि आप भी लोगों को जज करें। जानना है ना ये सब, है ना, क्योंकि जब आप किसी, हम लोग क्या करते हैं, बिहार बोलते ना, एक बिहारी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जी ये निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, इंटरव्यू में छट जाते हैं। क्यों छट जाते हैं? इंग्लिश मायने नहीं रखता बॉस, ये अवधारणा है लोगों की, इंग्लिश इज वन ऑफ द थिंग, ठीक है ना, लेकिन मेन बात, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूअर्स के साथ बैठता हूँ, मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ, और हम लोग उसी चीज के लिए ट्रेन करते हैं, जीडी के लिए, इंटरव्यू के लिए, उसमें हम क्या बताते हैं आपको पता है? आपको सुन के आश्चर्य होगा, आपको शायद पता भी नहीं होगा वो कि आप क्यों छट जाते हैं वहां पे। आप अधिकांश लोगों को यही लगता है, अच्छा बताइए मैं आपसे पूछता हूँ, आप अधिकांश इंटरव्यूज में क्यों छट जाते हैं? कोई एक पर्सनालिटी, और कोई कॉन्फिडेंस, नेचर की वजह से। अब जब तक तुम बोलोगे नेचर से, जम जाके तुम जाके हपक लोगे। और बोलो बोलो, हाँ बोलिए बोलिए ना, पर्सनालिटी, बोलने का तरीका, तुम लोग कुछ नहीं बोलो, अच्छा सबके मुंह में भी खाना है अभी, बोलो बोलो कुछ बोलो, बॉडी लैंग्वेज, वेरी गुड, और कोई माइंड सेट, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आए हैं, माइंड सेट, ठीक है। अब बॉडी लैंग्वेज, जिसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, और ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आता है बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब बॉडी लैंग्वेज से, माइंड सेट से, पर्सनालिटी से, इंग्लिश से, और क्या बोला था आपने, बोलने के तक, वो बॉडी लैंग्वेज में ही आता है वो, ठीक है। कम्युनिकेशन को बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन, पहले ये हुआ ही नहीं करता था, किसी को लगता था अरे जब कुछ काम नहीं होता था, तैयारी करनी है, एक काम करो चल जाओ वहां पे स्पोकन इंग्लिश में, बोलते थे ना स्पोकन इंग्लिश में जाओ, इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, बात खत्म, थोड़ा जीडी इंटरव्यू को तैयारी कर लो, बात खत्म। नहीं मेरे भाई, तुम फंस जाओगे आगे। तुम बहुत सारे लड़के होते हैं जो रट्टा मार के पढ़ाई करते हैं, रट्टा मार के, उनको मंच पे लाओ धारदार बोलेंगे, लेकिन अगर तुम जैसे बीच में उनको टोक दो सब भूल जाएंगे ब्लैंक।
क्यों? बचपन से यही किया उन्होंने, फंस जाओगे आगे जाके। तो फटाफट इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखे यहां अभी मैं खड़ा हूं, ठीक है। सबसे पहले कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, सबसे पहले जब तक मैं खड़ा हूं मैं चुप हूं, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरा मुंह खुलेगा तो पर्सपेक्ट, फिर आप जज करना शुरू करेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो बाद में आएगा, क्यों बोल रहे हैं बाद में आएगा, कैसे बोल रहे हैं, और जब वो बोल रहे हैं तो क्या उनका बॉडी लैंग्वेज उनका साथ दे रहा है। तो इसी बात को मैं तीन तरीके से बोलूंगा। अभी मेरे हाथ में कॉलर माइक नहीं है तो मैं इसी को होल्ड करके बोलूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, जो माइक को हम होल्ड करते हैं इसका भी एक तरीका होता है। अगर आप इसी माइक को यूं पकड़ेंगे ना, जैसे आप इसको यूं पकड़ेंगे हम समझ जाएंगे आपकी अंदर से बहुत लगी पड़ी है, आप अंदर से बहुत ही डरे हुए हैं, ये उसकी पहचान है माइक को इस तरह से पकड़ना। आपको पता था ये बात? थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि हर आपका पूरा बॉडी बात करता है आपके बिना बोले, आपका ये, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एंगल। क्योंकि जब मैं मॉडल्स को ट्रेन करता हूं या मैं किसी भी आईटी कंपनीज में या बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जो हम जाते हैं एज ए ट्रेनर, उनको हम क्या ट्रेनिंग, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं, फिर भी हमें बुलाते हैं, क्यों? एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। काहे का स्ट्रेस हो गया भाई उनको? तुम उस जॉब के लिए तरस रहे हो, 50,000 के जॉब के लिए, वो लाख डेढ़ लाख महीने का कमा रहे हैं और हर महीने हमें बुलाते हैं लाखों रुपए दे के, भैया इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ज्ञान दो थोड़ा। आप सोचो कि उनको किस बात का स्ट्रेस है। इसलिए ये स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता। आज क्लास में टॉप होने का स्ट्रेस है, कल पास होने का स्ट्रेस होगा, परसों गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस होगा, फिर उसके बाद शादी की स्ट्रेस होगी, और शादी के बाद स्ट्रेस होगा कि कहीं वो गर्लफ्रेंड फिर वापस ना आ जाए। आधे लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मैं बैठा हूं, सबसे पहले कम्युनिकेशन, ध्यान से सुनना। मैं एक बात को तीन तरीके से बोलूंगा, एक ही बात को तीन तरीके से बोलूंगा, मेरे बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना। मैं मंच पे आया, नमस्कार, मेरा नाम नीतीश चंद्रा है, मैं पूर्णिया बिहार से बिलोंग करता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं सोता भी हूं, मैं उठ भी जाता हूं, मेरा मन ठीक नहीं रह रहा है, मेरे बॉडी को ध्यान से देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं, मेरा ये पैर भी हिल रहा है और ये जो हाथ है ना ये मैं बहुत ज्यादा यूं कर रहा हूं, ध्यान से देखो, समझ में आया। और हमको यहाँ के बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, हो गया जाए हम, समझ में आया, सब पता है अंदर। और ये बंदा कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ठीक है, ये बंदा कोई छोटा, अब ये मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट पर्सनालिटी को आपने सुना, ये अंदर से भरा पड़ा है, इसको बहुत कुछ आता है, बहुत अपने क्षेत्र में बहुत विद्वान है ये, लेकिन ये इसकी पर्सनालिटी है। एक दूसरा बंदा ध्यान से देखो, नमस्कार, मेरा नाम नीतीश चंद्रा है, मैं पूर्णिया बिहार के से बिलोंग करता हूं और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और आप लोग से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और बोलना है, मतलब मैं बोल कहीं और रहा हूँ, सोच कुछ और रहा हूँ, पैंट कहीं अलग खींच रहा हूँ, शर्ट कहीं अलग ठीक कर रहा हूँ, मतलब डाइवर्जन आ गया बहुत सारा। ये भी पर्सनालिटी को सब, इसको सब कुछ आता है। बट ऐसे कई लोग मिलते हैं ना मंच पे, आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब थर्ड पर्सनालिटी, ठीक है, फोर्थ पर्सनालिटी हमारे होंगे न्यूज एंकर्स, फोर्थ पर्सनालिटी, ठीक है, ध्यान से सुनो। और ये थर्ड पर्सनालिटी, अब आप मंच पे आए, थोड़ा पानी दे दीजिएगा, आप मंच पे आए, यहां आपको माइक लेने की कोई जल्दी नहीं है, एंकर आपको माइक दे रहा है, कम्युनिकेट कैसे करना है ध्यान से देखो। पहले आकर अपने आप को स्थापित करना है, पहले आई कांटेक्ट। जब तक आप जनता से जुड़ाव नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, किसी को पड़ी नहीं आपको सुनने की। आप कितने भी पर्सनालिटी, बड़े पर्सनालिटी क्यों ना हो, फर्स्ट आई कांटेक्ट, भीड़ को ध्यान से देखो, सम्मोहित करो, सम्मोहन शक्ति होनी चाहिए, वो भीड़ आपको सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े विज्ञान के दाता हैं और आप ही बोल रहे हैं, लोग सुन ही नहीं रहे, क्या फायदा फिर? तो हमेशा याद रखो कि आप कहाँ खड़े हैं, आपके सामने जो लोग हैं वो कौन हैं,
आप मैनेजमेंट संस्थान में हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, आप किसी बच्चों के बीच में हैं, या आप किसी मैरिज फंक्शन में हैं, आपका बोलने का तरीका, आपका खड़े होने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन सब चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब एंकर आपको माइक दे रहा है, माइक लेते हैं जैसे ही आप। अब नमस्कार, मेरा नाम नीतीश चंद्रा है, मैं पूर्णिया बिहार से बिलोंग करता हूं, मुंबई में बेस्ड हूं। पहले से अलग लगा? पहले से अलग लगा? मैं बातें वही बोल रहा हूं, सिर्फ तरीका, अपने आप को रखने का तरीका, अपने आप को बेचने का तरीका, क्योंकि आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप स्कूल में हो सकता है आपको ये वर्ड टर्म समझ में आए, लेकिन आपको समझना चाहिए अपने आप को हम कैसे बेच सकते हैं, हाउ टू सेल योरसेल्फ, क्योंकि आप एक ब्रांड हैं, आपका नाम एक ब्रांड है। अगर मैं अभी अचानक से किसी को माइक देके अचानक से मैं खड़ा करके बोलूं, आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको खड़े होना है, खड़े होकर बोलना है नमस्कार मेरा नाम ये है, जैसे मैंने बोला नमस्कार मेरा नाम नीतीश चंद्रा है, आपको खड़े होकर फटाक से अपना नाम बोलना है, ठीक है। दो ही काम करनी है आपको, खड़े होकर नमस्कार मेरा नाम ये है और मैं लाइफ में ये बनना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ पे इधर से पांच आपके सामने, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूंगा तो आप सिर्फ सुन के मजा नहीं आएगा, जैसे डेमो लोगे ना तो अचानक आपको समझ में आएगा कि हम कितने पानी में हैं। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लड़के जैसे बोलते हैं ना, अरे बहुत शाना है, ये डेढ़ शाना है, ये स्मार्ट है, ये ओवर स्मार्ट है, बोलते हैं ना उसको, हम हिंदी में बोलते हैं शाना है, डेढ़ शाना है। तो ऐसे ही आपके एज में ये ज्यादा होता है, आप इतने आराम से बैठ के सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों पता है आपको? क्यों? आपके सबसे जो ज्यादा लोग जो नॉलेज, जिसको बोलते हैं नॉलेज, लोग हम लोग बेकार हैं, हम लोग बोलते हैं अरे तुम पढ़ के पहले टेंथ दो, ट्वेल्थ दो, फिर ये करो, फिर नॉलेज आएगा। नहीं, इस एज में, इस एज के लोगों को लगता है कि मुझे सब आता है, इस एज में, इस एज के लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, इसी एज में जो मैंने बोला प्यार मोहब्बत ब्रेकअप ये वो सब इसी एज में होता है, बड़े होने के बाद नहीं होगा, ये सब इसी एज में होगा। और उसी भीड़ में आपके क्लास में देखना, हमेशा एक लड़का जरूर होता है, पूरे क्लास में एक लड़का होता है जो हर बात में बोलेगा हाउ जानते हैं, क्लास में आकर एग्जाम है, आज एग्जाम है, सब लोग किताब खोल खोल के पढ़ रहे हैं एग्जाम हॉल में अंदर जाने से, वो लास्ट में एकदम घूमता फिरता आराम से आएगा और सबको आके टेंशन देगा, और पढ़ लिए, और पढ़ लिए। अब वो पढ़ा नहीं, उसको पता नहीं है, लेकिन वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है, वो पढ़ लिए, पढ़ लिए, पढ़ लिए, क्यों? वो उसी को पूछ रहा है जो उसके बगल में बैठेगा, उसको दिखाएगा, तो वो सेटिंग कर रहा है अंदर जाने से पहले, ठीक है। अब जब आप बैठते हैं इस चेयर पे, जब आप यूं बैठते हैं, ठीक है, यूं आपका पैर जब आप ये सीधा रखते हैं, ये जब स्ट्रेट है तो इसका अलग मतलब है, सबको दिख रहा है, पीछे तक दिख रहा है आपको, जब आप यूं बैठे हैं तो इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है, अंदर करते हैं तो इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है, समझ में आया? कितनी चीजें हुई? पांच चीजें हुई। कभी आप बैठने के पहले आपने ये सोचा कभी कि कोई आपको जज भी कर रहा है? ठीक है, मैं आपको ये सब चीजें बताता हूं। अब आप लोगों को जज करना, यहां से ये हो गई पैर की बात। हाथ में जब हम बैठते हैं तो इधर हम हाथ को यहां रखते हैं, ठीक है, या हम क्या करते हैं, हाथ को दो तरीके से पैक करते हैं, इसको लॉकिंग बोलते हैं, इसको एक हो गया ये, मुट्ठी को बंद, ये बंद, और एक होता है क्रॉस, और हाथ को खुला रखना, यू, ठीक है। दोनों का मतलब अलग होता है, हाथ को खुला, क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। ये हो गया हाथ का मूवमेंट। जब हम क्लासरूम में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, बेंच पे, टेबल पे, कुछ भी रहता है तो हम अपने आप को या तो यूं बैठते हैं, यूं रख लेते हैं ऐसे आगे, यूं, या इसको क्रॉस कर लेते हैं, यूं और यूं, और थर्ड क्या है, क्लास बोरिंग हो रहा है तो हम लोग यूं करके ऐसे करते और धीरे धीरे सो जाते हैं, करते हैं ना, और ये बहुत कॉमन है, ये वाला बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये सब करते हैं क्लास में। मीनिंग इज वॉट, अगर कोई इंसान सबसे अच्छा जो बैठने का तरीका है वो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट, यूं बैठना चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, ठीक है, आपका पीठ स्ट्रेट जो है, आपका पीठ आप कितना सीधा रखते हैं ये आपके नेचर कॉल के बारे में बताता है, आप कैसे व्यक्तित्व हैं, आप घमंडी तो नहीं है, आप धोखेबाज तो नहीं है, ये आपका बैठने का तरीका बताता है।
हम लोग कभी भी लोगों को जज करते हैं इन सब तरीकों से लेकर, जब किसी से मीटिंग होती है, बात होती है, कुछ होती है, आधे घंटे में लोगों को जज कर लेते हैं कि इसके साथ काम करना है कि नहीं करना है, सिर्फ आधे घंटे में, बहुत होता आधा घंटा। अब जब आप यूं बैठते हैं, यूं टिकाकर, यूं, ये एक रिलैक्सिंग पोजीशन है, लेकिन इससे होता क्या ये आपको नहीं पता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आपने वो अमिताभ बच्चन का अग्निपथ मूवी में देखा, अमिताभ बच्चन यूं बैठते हैं ना और बोलते हैं मेरा गांव मांडवा, यूं ये हाथ यूं रख के बैठते हैं ना, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, चेयर पर यूं हाथ रख लेते और यूं हम लोग भी बैठते हैं। ये एरोगेंस है, घमंड, ठीक है, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, ये अलग लेवल है, ये दिस इज व्हाट एरोगेंस। आप जब यूं बैठते हैं और सामने वाले से बात कर रहे हैं, जब सामने वाले से बात कर रहे हैं, कभी कभी देखना, आप YouTube पे जाना, देखना IAS या IPS का इंटरव्यू कैसा चलता है, उनका बैठने का तरीका देखना, उनका बोलने का तरीका देखना, वो कभी भी इसको यूं नहीं करते हैं, हमेशा यूं रखते हैं स्ट्रेट, ठीक है। और जैसे ही इस पैर को इंटरव्यू के दौरान, अब देखो मैं आपको अंदर की बातें बताता हूँ कि आप इंटरव्यू में छठ क्यों जाते हैं, आप जानना है, आप छठ इसलिए जाते हैं, आपको ध्यान से देखो, मैं एक इंटरव्यू में आया हूँ, ठीक है, ये बड़ा इंटरव्यू है, ये किसी कॉर्पोरेट घराने का, और कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं आपको पता है, कॉर्पोरेट हम जैसे लोगों को हायर करते हैं, क्यों पता है आपको, अलग से आपके इंटरव्यू के दौरान, जो आपको पता भी नहीं चलता, वहां पे चार लोग पांच लोग बैठते हैं ना, इंटरव्यू तीन को ही लेना होता है, जो एक्स्ट्रा दो बैठे हैं ना उनको इसलिए पैसा दिया जाता है ताकि वो आपको जज कर सके, मेरी तरह, ठीक है, वो आपको हो सकता है सेलेक्ट कर ले, हम आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा हम क्यों छट गए, हम अब छटते कहां हैं वो देखो, हम आपको क्यों चांट देते हैं, ध्यान से देखो, आप इंटरव्यू में आए, सबसे पहले आते ही वो आपको बोलेंगे आइए अंदर आइए, आराम से बैठ जाइए आप, ताकि वो देखना चाहते हो तुम कितना आराम से बैठ सकते हो। तुम आओगे तो पहले तुम यूं बैठोगे या तुम यूं रख के आराम से बैठोगे, तुम सोचोगे अच्छा इंटरव्यू होने, और जानबूझकर वो लेट करते हैं, जानबूझकर, ताकि वो तुमको और आराम से देख सके कि तुम क्या क्या करते होते देर में, तुम फोन चला रहे हो, साइड से फोन चला रहे हो, चुपचाप यूं बैठे हो, है ना। और उस रूम में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, वहाँ कैमरा लगा होता है, रूम में कोई नहीं होता, क्योंकि वो बाहर से बैठ के आपको ऑब्जर्व करते हैं पहले, आपको 5 मिनट 10 मिनट, समझ रहे हो, जैसे आप जाएंगे आप आराम से, जैसे यूं आराम से बैठेंगे, ये पहला नेगेटिव, ये फर्स्ट थिंग नेगेटिव, यहीं आप चले गए काम से। अब आपने रॉन्ग इंप्रेशन ऑलरेडी बना लिया है, अब उसको मार्क्स आपको बढ़ाना है, अब उसको भी ठीक कैसे करना, आराम से देखो, ये मैं स्ट्रेट बैठा, ये मैं बैठा, अब मुझे डर लग रहा है, मेरे सामने एक टेबल पड़ा है, मुझे लग रहा है कोई देख थोड़ी रहा है मुझे, लेकिन आपके पीछे भी कैमरा होता है, आगे भी कैमरा होता है, पीछे का कैमरा इसलिए होता है, साइड में कैमरा होता है, वो इसलिए होता है, कभी कभी वो इंटरव्यू के दौरान ऐसे ही कैमरे वो दो तीन डायरेक्शन में लगा के रखते हैं, ताकि इंटरव्यू के बाद आपको देख के जज कर सके। अब सामने एक टेबल रखा है और हम क्या कर रहे हैं, ये हिल रहा, फिर उसको रोक रहे, रुको यार, फिर हिल रहा है वो, ये टेंशन, यही होता है स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेस, ये है, ये जो हिलना है, क्यों, अब मुझे लग रहा है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि मुझे निकाल दिया जाएगा, पता नहीं क्या होगा मुझे यहाँ पे आज, ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, जैसे क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने का मतलब होता है तुम बाहर में जाओ, ठीक है, और क्रॉस कर कर इसको अंदर अगर हम कर लेते हैं, मतलब मुझे मतलब ही नहीं है, तुम जो बोलना बोलते रहो। तो अगर इसी पैर को हम यूं कर देते हैं, दिस इज डिसरिस्पेक्ट, समझ में आया, दिस इज फ्रंट, हमेशा इतना इज्जत में हमेशा नहीं रहना है, मैं सिर्फ चीजें बताता हूँ सिर्फ, और ये नहीं कि हमेशा एकदम ऐसे ही बैठे रहना है, वैसा भी नहीं है, ठीक है। जब आप हाथ रखते हैं तो कभी भी जब किसी से बात करें, इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, कभी भी गलती से भी इस हाथ को लॉक मत कीजिए, ये जैसे ही आप करेंगे गए काम से, समझ में आया। अब ये जो मुट्ठी बंद कर, जब हम हाथ बंद करते हैं, इस मुट्ठी को बंद करके हाथ क्रॉस करने का मतलब होता है कि मैं डरा हुआ भी हूं लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूं कि मैं डरा हुआ हूं। और इस हाथ को खोल के जब आप लॉक करते हैं, यूं इस हाथ को जब खोल के जब आप लॉक करते हैं, मतलब ठीक है मैं सुनना चाह रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज ऑल डिसरेस्पेक्ट, ये नेगेटिव मार्किंग है रेड में, समझ में आया।
अब मैं ये सब चीजें बहुत लेंथ में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है आप धीरे 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 कभी फ्यूचर में कभी ऐसा मौका लगा मैं आपकी टीम से बात करूंगा, आपके सारे सीनियर से बात करूंगा, कभी भविष्य में ये एक दो तीन दिन का ये सेशन होता है पूरा अलग 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 अलग, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये हम लोग एक एक महीने में बताते हैं, तो आपका